किसी घर में घुसा जो NTPC में महाप्रबंधक है। बताया जा रहा है कि उसे नौकरी से निकाल दिया था, उसी को लेकर बदला लेने की चेष्टा से घुसा था। क्या है पूरा प्रकरण और क्या क्या बरामद किया इससे? देखिए, जो 31 दिसंबर की रात कल बीती रात थाना जाचौक की ऐसी सूचना मिली, NTPC में कार्यरत एक डिप्टी जनरल मैनेजर के यहाँ से सूचना मिली कि उनके घर पे एक बदमाश घुस आया है, उनकी पत्नी को व उनकी बेटी को गन पॉइंट पे रख के जान से मारने की धमकी दे रहा है। जैसे ही सूचना थाने को मिली, थाना पुलिस SO स्वयं जो हमारे दीक्षित जी हैं वहाँ पे, वो तत्काल मौके पे पहुँचे और सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने जान को भी खतरे में रख के उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और बड़ा ही सराहनीय कार्य करते हुए उस अभियुक्त को धर दबोचा। बाद में पूछताछ को उस अभियुक्त ने बताया कि उसको जो जिनके घर वो घुसा था DGM द्वारा एक साल पूर्व करीब नौकरी से निकाल दिया गया था। वो कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन था, तो उसी से वो उनसे रंजिश मानने लगा था और आज उसी रंजिशन के चलते हुए वो वापस उनके घर पर आया था, जिसने इस तरह का कृत्य किया उनके यहाँ। बरामद भी क्या क्या है इससे सर? जो वो असलाह लेके घुसा था, एक अवैध तमंचा, और जिससे उसने एक फायरिंग भी की थी घर पे डराने के लिए घर वालों को, वो खोखा भी बरामद हुआ है, उसके साथ जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। घटना के दौरान कौन कौन लोग थे घर पर मौजूद? घटना के दौरान उनकी वाइफ थी यहाँ पे, उनकी बेटी थी जिनको इन्होंने गन पॉइंट पे ले रखा था। सर, इसमें कोई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है? हाँ बिल्कुल, अभियुक्त को काबू में करने के लिए जब इन्होंने प्रयास किया तो हमारे SO महोदय के भी चोट आई है और एक कांस्टेबल है उनके भी अंगूठे में चोट आई है। सर, जब पुलिस वहाँ पहुंची है तो क्या उनकी फैमिली गन पॉइंट पर थी? कैसे टैकल किया उसको, किस तरह से मनाया कि वो हटे वहाँ से? देखिए, वो मना के नहीं हटा, जैसा कि मैंने आपको बताया एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया हमारे SHO ने, थाना प्रभारी ने, और कुछ सोच के उसको पीछे से दबोचा ताकि चुपके से वो हमला ना कर पाए और उसको काबू में किया।